हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम 10th क्लास का लाइट चैप्टर स्टार्टिंग से। ओके स्टूडेंट, लेट्स बी स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट है आपका लाइट चैप्टर फिजिक्स का। ओके, सबसे पहले टॉपिक आता है कि हमारा लाइट क्या है। तो लाइट को समझने से पहले देखो, अगर लाइट नहीं हो तो कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। यानी कि देखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? लाइट। अब आँखें भी हैं जरूरी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी लाइट है। आँखें हैं आपकी और अंधेरा है तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो लाइट बेसिकली एक एनर्जी फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब देखने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है लाइट। क्या है? एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जैसा कि आपको मालूम है, एनर्जी ना तो खत्म होती है और ना बनाई जाती है, ये केवल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। अच्छा, इट प्रोपोगेटेड इन स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती, यानी चलती है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, जो मेन टॉपिक आता है आपका 10th क्लास के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन क्या आएगी। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी चीज टकरा के वापस आ जाएगी और उसी मीडियम में आए। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम इस एनवायरमेंट की बात करते हैं तो क्या चीज है इसमें, मीडियम क्या है? एयर है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि द रे ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की रे है, रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी चीज, अगर बॉल मान लेते हैं, एक बॉल को मैं अगर दीवार पर फेंकता हूं तो बॉल क्या होगी? रिटर्न आएगी। किस मीडियम में आएगी? एयर में। से फेंकी है एयर में तो वापस आएगी। देखो, रे ऑफ लाइट रिटर्न इनटू द सेम मीडियम, इट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस। अगर मैं स्मूथ सरफेस पर लाइट को डालता हूं और वो वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, तो यही फिनोमेना कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक चीज बताओ, अगर लाइट टकरा कर वापस आ रही है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बॉल आ रही टकरा के तो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, कोई भी चीज आ रही है टकरा के तो क्या जाएगा? रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, इसके कुछ नियम, देखिए नियम से पहले देखते हैं डायग्राम। देखा, एक स्मूथ सरफेस लिया हमने, ये स्मूथ सरफेस है, यानी पॉलिश सरफेस है। कोई भी चीज हो सकती है जिससे लाइट आ जाए, जिसपे आप शीशे में अपनी शकल देखते हो, सुंदर सा मुखड़ा देखते हो, वो ले लिया, मान लिया हमने। अगर उस पर लाइट जब डालते हैं, देखा होगा आपने बहुत लोगों को, ऐसे लाइट आते हैं ना तो चौंधा मारते हैं, तो वो बहुत अजीब सा नहीं लगता? तो वो कैसे होता है कि भाई सूरज वहां से निकल रहा है, तुमने लाइट को ऐसे उधर कर दिया, उस पर फोकस मार रहे हो, तो वो क्या है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। देखिए, अगर स्मूथ सरफेस पर एक लाइट टकराई इंसिडेंट की, और वो इंसिडेंट लाइन इंसिडेंट पॉइंट से टकरा के कहीं भी रिफ्लेक्शन हो गई। अच्छा, एक चीज सुनो, ये कुछ ना कुछ एंगल पर होगी। यहां दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये भी तो है, एक एंगल ये भी तो है। यानी इस एंगल से नहीं मेजरमेंट करोगे आप, मेजरमेंट करोगे इस स्मूथ सर्फेस के नॉर्मल से। यानी कि इंसिडेंट एंगल होगा वो कहां से होगा? नॉर्मल से। इस एंगल का नाम क्या होगा भाई? इस एंगल का नाम होता है ग्लेंसिंग एंगल। यानी कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल। तो सरल सरल डेफिनेशन समझो, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल लाइन, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। इंसिडेंट एंगल को सुनो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे हो गई? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल। अब ये देखो, ये भी तो एंगल है, इसको भी हम ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। ये समझ में आया? अगर इसको कई तरीके से बोल सकते हैं, द बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसके कुछ लॉ है। लॉ क्या है? ये जो एंगल दिख रहा है आपको, यानी एंगल आई क्या है? एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसके कुछ नियम है, यानी कि लॉ है, वो लॉ सुनिए। पहला लॉ है इसका कि जो एंगल आई होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 50 का है तो 50 का होगा। एक और चीज, दूसरा नियम क्या कहता है कि तीनों चीज हैं, तीनों चीज कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों सेम प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं है
कि भैया लाइट इस पे डालूं और सामने वाली दीवार से निकल के आ जाए, लाइट मैं नीचे डालूं ऊपर से लाइट आ जाए, यानी कि जिस लाइट जिस सरफेस पे पड़ेगी उस प्लेन पे पड़ेगी उसी से वो निकलेगी और उसी पे नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि सेम प्लेन होना चाहिए। पहला लॉ तो समझ में आ गया होगा, एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन।